अस्सलाम वालेकुम होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन दिस एक्सपेरिमेंट वी विल चेक द एसी रिस्पांस ऑफ आर सर्किट और एसी में भी अल्टरनेटिंग करंट में भी हम स्पेशली स्पेसिफिकली स्केयर वेव का रिस्पांस चेक करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कौन कौन से कंपोनेंट्स एक हमें रजिस्टर चाहिए आर सर्किट सर्कट बनाना तो एक रजिस्टर एक कैपेसिटर फंक्शन जनरेटर से हमने सी फंक्शन जनरेटर से हमने स्केयर वेव देनी है तो फंक्शन जनरेटर चाहिए और एक सी चाहिए जिससे हम चेक करेंगे आउटपुट और इनपुट वेव्स ठीक है हम रिस्पॉन्स चेक करेंगे स्केयर वेव का uh, हंड्रेड हर्ट्स के ऊपर हंड्रेड हर्ट्स के ऊपर फिफ्टी हर्ट्स के ऊपर और वन किलो हर्ट्स के ऊपर या इससे कम भी जाएंगे वो डिपेंड करता है क्या करें अच्छा आ, सही है अब इसके अंदर जो हमने एक्सपेरिमेंट में लिया है ना वो लिया है एक रजिस्टर वन किलो होम्स का अभी हंड्रेड होम्स का नहीं लिया वन किलो होम्स का एक रजिस्टर और कैपेसिटर हमने लिया है टेन माइक्रोफेरेट्स का ठीक है और इसे हमने लगा दिया है सीरी इस इस बिल्कुल जिस तरह यहाँ पे है ना कि रेजिस्टर और कैपेसिटर के इनपुट वोल्टेज आ रहा है जो कि वेव है और हम कैपेसिटर के अक्रॉस सी आर ओ लगा रहे हैं ताकि कैपेसिटर की रिस्पॉन्स चेक कर सकें तो इधर भी एग्जैक्टली exactly देखा जाए तो ये एक लगा हुआ है हमारे पास ये ये है रजिस्टर और साथ हमने कैपेसिटर लगाया हुआ है कैपेसिटर है जी टेन माइक्रोफेलेट का इसकी पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड होती है ये और एक पॉजिटिव साइड है पॉजिटिव साइड हमने लगा दिया है रजिस्टर के साथ ठीक है ये बिल्कुल एक शॉर्ट होता है आपको पता है तो पॉजिटिव साइड रजिस्टर के साथ और नेगेटिव साइड आपने लगा दिया ये है ये जा रही है फंक्शन जनरेटर के साथ सारे ग्राउंड से एक साथ है मैं आपको बताता हूँ ये फंक्शन जनरेटर अब इस पे हंड्रेड आपको सेट करना आना चाहिए मैं बता भी देता हूँ किस तरह सेट करते हैं आप हंड्रेड लेट से चेक करना चाह रहे हैं फ्रीकवेंसी तो आपने ये वन ज़ीरो जीरो और ये परसेंटेज का साइन होता है हर्ट्स भी हर्ट्स भी लिखा होता है इसके ऊपर ये आपने लगा देना दी तो कि हमारे पास हंड्रेड हार्ट्स की स्केयर वेव जनरेट होगी हाँ और सिलेक्ट स्केयर वेव करनी है इसके लिए वेव का टर्मिनल होता है इसको आप इस तरह करेंगे ऊपर चेंज भी हो रहे थे ट्राइंगर ये साइनोसाइडल और ये आपने स्केयर पे करके छोड़ देना है और आउटपुट आपने लेनी है फिफ्टी वाले आउटपुट ठीक है अच्छा उसके बाद आ, इसकी प्रॉबली ज़रूरत नहीं है इसमें आपने दोनों चैनल यूज़ करने हैं एक चैनल से आप इनपुट देख रहे होंगे साथ साथ उसको आउटपुट दूसरे चैनल से आपने आउटपुट देख रहे है मतलब कैपेसिटर का रिस्पॉन्स इसको कैसे सेट करते हैं आपको पता होगा नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ ओके तो कैपेसिटर था हमारे पास टेन माइक्रोफेरेट्स का रजिस्टर था हमारे पास वन किलो का अब पहले चेक कर लेते हैं कि टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है टाइम कांस्टेंट हमें पता है कि आर होता है और ये वो है जिसके अंदर सिक्सटी परसेंट कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज हो जाता है और हमें पता है कि कैपेसिटर को पांच टाइम कांस्टेंट चाहिए कंप्लीट चार्ज होने के लिए इस स्पेसिफिक केस के लिए Uh, हमने हंड्रेड वन किलो ओम का रजिस्टर लगाया और टेन माइक्रोफेट का कैपेसिटर लगाया इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे आर सी मतलब टाइम फाइंड कर लेंगे तो वार है जीरो पॉइंट जीरो वन सेकेंड्स इसको मिली सेकेंड्स में लेके जाएंगे तो हंड्रेड टेन मिली सेकेंड इसका मतलब क्या हुआ कि टेन मिली सेकेंड्स के ऊपर कैपेसिटर विल बी सिक्सटी थ्री पॉइंट टू परसेंट चार्ज ठीक है और फाइव टाइम क्वेश्चन के अंदर मतलब फाइव मल्टीप्लाई करा दे तो फाइव तो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो पॉइंट जीरो फाइव सेकंड में अंदर तो जो कि फिफ्टी मिली सेकेंड है और फिफ्टी सेकंड फिफ्टी मिली सेकेंड के ऊपर कैपेसिटर पैसर हंड्रेड परसेंट चार्ज होगा अप्रॉक्सीटली हंड्रेड परसेंट चार्ज हो चाहिए क्योंकि मैं पता है कि कम्प्लीटली हंड्रेड परसेंट चार्ज क्यों पैसर नहीं होता उसे इंफिनिट टाइम चाहिए अच्छा अब मैं यहाँ से हंड्रेड हर्ट्स की वेव्स लिए मैंने हंड्रेड हर्ट की वेव का अगर हम टाइम पीरियड निकालें तो टाइम पीरियड क्या निकलता है वन डिवाइडेड बाय वन डिवाइड बाई हंड्रेड तो वन डिवाइड बाई हंड्रेड होता है जीरो पॉइंट जीरो वन विच इज इक्वल टू टेन मिली सेकेंड्स इसका मतलब इसका टाइम पीरियड है टेन मिली सेकेंड्स तो टेन मिली सेकेंड्स लेगी एक कंप्लीट वेव तो एक कम्प्लीट वेव कहाँ से कहाँ तक आ रही है ये ये और ये यहाँ पे खत्म हो रही है ना तो देखें इस पूरे में कितना टाइम लग रहा है इसे टेन मिली सेकेंड्स ठीक है तो इसमें ऑन टाइम कितना है मतलब पॉजिटिव टाइम कितना है जिसपे के लिए कैपेसिटर ने चार्ज होना है कैपैसर ने तो इस पर चार्ज होना है ना तो ये कितना टाइम है फाइव मिली सेकेंड्स अब ये फाइव मिली सेकेंड्स का जो टाइम है ये इस टेन मिली सेकेंड से भी कम है मतलब टेन मिली सेकेंड्स चाहिए था कैपेसिटर को सिक्सटी चार्ज होने के लिए लेकिन जो इधर ऑन टाइम है फाइव मिली सेकेंड्स का मतलब कैपेसिटर ऑब्वियसली सिक्सटी से भी कम चार्ज होगा और कितना चार्ज होगा ये आपने सिंपली क्या करना है के इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चार चार्जिंग जो फार्मूला होता है हमारे पास कैपेसिटर पैसे चार्ज का तो क्या होता है वी अच्छा हाँ एक और बात आपको बता दूँ स्केयर वेव हमने लिया जिसकी मैक्सिमम वोल्टेज है वी पी कह लें आप फोर है फोर वोल्ट तो यहाँ पे फार्मूला है हमारे पास वी सी करने का वी नॉट इंटू वन माइनस पर माइनस थ्री बाई इधर मैंने माइनस टी हमारे पास फ़ाइव ओम्स था नीचे टेन ओम्स था आर सी की वैल्यू और ओम्स निकली है टेन से तेन मिली से मिली ये आ गया इसमें आंसर आ रहा है जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट फोर को फोर से मिलेगा वन पॉइंट सिक्स इसका मतलब सिर्फ वन पॉइंट सिक्स वोल्ट चार्ज आएगा कैपेसिटर के ऊपर लेकिन अगर देखा जाए सिक्सटी टू परसेंट के हिसाब से तो सिक्सटी टू पॉइंट टू परसेंट के हिसाब से कितना चार्ज होना चाहिए कैपेसिटर को आ, वो हम निकालने के लिए क्या करेंगे सिंपली जीरो पॉइंट सिक्स थ्री टू मल्टीप्लाई बाई फोर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो तकरीबन शायद टू पॉइंट सिक्स या टू पॉइंट फोर के करीब आएगा वो आप निकाल सकते हैं ठीक है तो ये खैर कुछ बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए अच्छा तो ये मैंने खुद से भी थ्योरेटिकली आपको बताया कि देखें अब ये फोर ओहज है सॉरी फोर वोल्ट है ना और अभी ये फाइव मिली सेकेंड के ऊपर है फाइव मिली सेकेंड क्योंकि टेन मिली सेकेंड से कम है तो थ्री परसेंट से भी कम होगा हमारे पास uh, क्या बोलते हैं चार्ज लेकिन व्हाट इफ़ मैं फ्रीक्वेंसी और कम कर दूं फ्रीक्वेंसी हंड्रेड से मैं कर देता हूं फिफ्टी हर्ट तो फिफ्टी हर्ट्स की निकालेंगे तो वन बाई फिफ्टी वन बाय फिफ्टी करेंगे तो ज़ीरो पॉइंट टू और ज़ीरो पॉइंट टू का मतलब है ट्वेंटी मिली सेकेंड्स अगर मैं Uh, 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी करूं तो मिली सेकेंड बनते हैं 20 ठीक है अब 20 मिली सेकेंड्स का मतलब है कि कंप्लीट वेव जो पहले 10 मिली सेकेंड में आ रही थी अब वो 20 मिली सेकेंड में आ रही है 20 का हाफ क्या होगा अब 20 में आ रही है लेट्स से तो 20 का होगा 10 तो इसका मतलब कम से कम आ, और इसका हाफ होगा 10 तो इसका मतलब 20 मिली सेकेंड वाली स्केयर वेव फिफ्टी परसेंट मतलब कि 10 मिली सेकेंड के लिए ऑन रहेगी हाइट पे रहेगी और अगले 10 सेकेंड के लिए नेगेटिव पे चली जाएगी ठीक है तो हमें फिफ्टी हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी चाहिए इस कैपेसिटर को लाइक सिक्सटी थ्री परसेंट चार्ज करने के लिए अगर और फ्रीक्वेंसी कम कर दूँ लेट्स मैं फ्रीक्वेंसी कर देता हूं इसकी 10 तो 1 बाई टेन क्या होता है ज़ीरो और ज़ीरो को हम जब मिली सेकेंड्स में लिखेंगे तो ये बनता है हंड्रेड मिली सेकेंड्स ठीक है हंड्रेड मिली सेकेंड्स अब हंड्रेड मिली सेकेंड्स का मतलब क्या हुआ कि ये वेव पूरी एक हंड्रेड मिली सेकेंड्स के लिए ऑन रहेगी ठीक है और मतलब हंड्रेड मिली सेकेंड में एक वेव आएगी ना कंप्लीट टाइम पीरियड निकाला है तो उसके फिफ्टी कर लोगे तो यहाँ पे फिफ्टी मिली सेकेंड इसका मतलब क्या हुआ और फिफ़्टी मिली सेकेंड्स में आपको पता है कैपेसिटर ये फुल चार्ज हो रहा था फाइव टॉस का तो अगर आप टेन हर्ट्स के ऊपर रखते हैं जनरेटर को तो इसका मतलब उस कैपेसिटर को कम्प्लीटली चार्ज होने का टाइम मिल जाएगा तो वो कम्प्लीटली चार्ज हो के uh, यहाँ तक आएगी और फिर आगे डिस्चार्जिंग स्टार्ट करेगी फिर चार्ज और फिर डिस्चार्ज ठीक है अब मैं आपको इसका विजुअल दिखाता हूँ अच्छा अगेन मैं दोबारा से बता रहा हूँ ये मैंने इनपुट दी है फंक्शन जनरेटर से ये जा रही है पेन यहाँ पे और फिर ये और आउटपुट के आउटपुट में ले रहा हूँ चैनल टू से अब मैं चैनल वन को ऑफ कर रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ बता सकूँ इसके बारे में अच्छा अब इनपुट मैंने आपको बताया कि फोर वॉल्ट तक जा रही थी ये रिस्पॉन्स चेक कर लें पहले आपको देखें कैपेसिटर चार्ज होता है अभी देखें इसकी स्टीप पाथ है अभी ये मतलब चार्ज हो रहा था और होते ही आपने अगला साइकिल आ गया वेव का तो डाउन जाना शुरू हो गया फिर आप फिर डाउन अब इन दोनों को मैच कर रहे हैं और इनपुट थी मेरे पास फोर वोल्ट्स पीक वाली तो अब आपने इस चीज़ पे गौर करना है कि देखें अभी मैं दोनों का जो पर डिवीज़न है उसको मैं एक साथ ला रहा हूँ ताकि एक दूसरे के ऊपर सुपर इसको दो पे रखें इससे भी दो पे रख दिया आपने अब इन दोनों को मूव करवाएंगे यहाँ से ताकि दोनों को हम एक ही स्केल के ऊपर देखें ओरिजिन के ऊपर इसे भी लें और इसको भी मूव करके वेव को ओरिजिन के ऊपर लें ठीक है अब देखें इनपुट ये है येलो वाला येलो देखो इनपुट वही वो फोर वोल्ट जा रहा है ये वोल्ट्स पर डिवीज़न आपने देखें नीचे लिखा अभी है टू है तो इसका मतलब एक बॉक्स टू के इक्वल है तो यहाँ से ऊपर काउंट करना चाहें तो टू और टू के बाद यहाँ तक आ जाएगा फोर तो देखें इनपुट फोर ही है लेकिन जो आउटपुट है कैपेसिटर जो चार्ज हो रहा है वो सिर्फ यहाँ तक लाइक वंस से थोड़ा सा ऊपर और हमें पता है से ही थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए क्योंकि उसे सिर्फ टाइम मिल रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ फाइव मिली सेकेंड्स का और आपको पता है फाइव मिली सेकेंड्स के अंदर इसने सिक्सटी थ्री पॉइंट टू से भी कम चार्ज होना है वो मैंने बता दिया था जल्दी लिखा हुआ भी है तो वो सिर्फ वन पॉइंट सिक्स फॉल्ट आने तो देखें वन पॉइंट सिक्स हाँ सही है वन पॉइंट सिक्स के करीब आ रहा है लेकिन देखें अब मैं फ्रीक्वेंसी जब कम करूँगा सही है फ्रीक्वेंसी जब मैं कम करूँगा तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो कैपेसिटर ओवर चार्ज होगा सही है तो अब आपने ये देखना कि ये ऊपर की तरफ मूव करेगी मतलब कैपेसिटर इज़ नॉट गेटिंग मोर चार्ज ठीक है तो देखें आपने यहाँ से क्या किया फ्रीक्वेंसी को कम करते जा रहा हूँ मैं देखें यहाँ से फ्रिक्वेंसी को हंड्रेड एंड नाइन्टी ले आया हूँ एटी पे ले आया हूँ तो देखें अबे आपको पता नहीं चलेगा लेकिन देखें ऊपर आ गई थोड़ी सी और सही है क्योंकि अब टाइम पीरियड बढ़ गया तो कैपेसिटर ज़्यादा तो अभी हमने उधर एक बात की थी हमने कहा था कि फिफ्टी हर्ट्ज़ फ्रिकवेंसी रखेंगे हम तो सॉरी कहाँ पे यहाँ पे कहीं पिछले मैंने रब कर दिया था शायद आपको बताया फिफ्टी हर्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर टाइम पीरियड आ रहा था ट्वेंटी और वो टाइम पीरियड ट्वेंटी का हाफ आ जाएगा टेन तो और टेन ही हमें चाहिए इसे सिक्सटी थ्री पॉइंट थ्री परसेंट चार्ज करने के लिए क्योंकि इसका टाइम पीरियड निकला हुआ है टेन तो सिक्सटी थ्री पॉइंट टू परसेंट तो अब मैं देखें यहाँ से फिफ्टी कर रहा हूँगा मैं आप बस कर रहा हूँ फिफ्टी यहाँ से आप देखते यहाँ से कि ऊपर जा रही है नहीं जा रही ये मैंने फिफ्टी कर दिए तो आपने देखें अब ये ऊपर मूव किया है अब ये ज़्यादा चार्ज आ रहा है और ये अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली टू पॉइंट कितना आना चाहिए टू पॉइंट सिक्स के करीब ये टू पॉइंट फोर के करीब आ रहा है ठीक है तो थोड़ा सा ऊपर टू से थोड़ा सा ऊपर है दो पॉइंट टू के करीब आ रहा है वो प्रैक्टिकल में डेफ़िनेटली फ़र्क होता है कुछ लॉसेज भी होते हैं सही है तो ये रिस्पॉन्स आ गया अब देखें मैं इसे चाहता हूँ कि ये फुल चार्ज हो ठीक है अब फुल चार्ज के लिए मुझे चाहिए कितना फुल चार्ज के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए इसे फाइव से मल्टीप्लाई करोगे तो फिफ्टी मिली सेकेंड्स ठीक है फुल चार्ज के लिए फ़िफ्टी मिली सेकेंड्स फिफ्टी को टू से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि आपको पता है स्केयर में हाफ आ, के लिए वो पॉजिटिव साइड पर होता है हाफ के लिए नेगेटिव तो हमें जो चार्ज होना है वो तो सिर्फ पॉजिटिव साइड की वजह से होना है ना तो फिफ्टी को टू से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाता है हंड्रेड मिली सेकेंड ठीक है हंड्रेड मिली सेकेंड की फ्रीकुनसी निकालोगे तो मतलब उल्टा करोगे टेन इसका मतलब टेन हार्ट्स की स्केयर वेव अगर मैं दूंगा तो कैपेसिटर कंप्लीट चार्ज और कंप्लीट डिस्चार्ज होगा तो कंप्लीट चार्ज की आपको पता है ना वेव किस तरह की होती है ऐसे और ये कंप्लीट चार्ज के इंडिकेट कर रहा होता है कि जब आपकी स्टीप हॉटनेस ख़त्म हो जाए ना तो उसमें मतलब तो कैपेसिटर फुली चार्ज हो है इस तरह आएगी और वो कंप्लीटली चार्ज का मतलब यह है कि इनपुट के इक्वल अप्रोच करेगी वो ठीक है क्योंकि कंप्लीट चार्ज हो गया ना इनपुट हमने फोर दी हुई है तो आउटपुट भी तकरीबन फोर के करीब आएगी तो अब मैं टेन हर्ट्स वहाँ से करूँगा अब मैं यहाँ से मूव करता जाऊँगा टेन हर्ट्स तक आप वहाँ से चेक करिएगा कि ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा सही है अब मैंने एक मैं एक मिनट में इसको थोड़ा सा टाइम डिवीज़न थोड़ी कम कर दूँ ताकि आपको पता चलता रहे सही है अब यहाँ से देखें मैं अभी फोर्टी की है ये मैंने कर दिया ट्वेंटी थर्टी ट्वेंटी और टेन अब देखें आप आपने वो मूवमेंट चेक किया ना कि किस तरह आपका पैसर फुली चार्ज हो क्योंकि अब कैपेसिटर को पूरा टाइम मिला है चार्ज होने के लिए प्रॉबेबली मैं अपना बात कन्वे कर पा रहा हूँ नहीं तो आप क्लास में पूछ सकते हैं तो मैं इसको यहाँ से टाइम डिविजन कम कर रहा हूँ ताकि आपको कम्प्लीट वेव नज़र आए तो ये देखें अब इनपुट को इनपुट भी फोर थी और आउटपुट का पैसर फुल चार्ज एंड फुल डिस्चार्ज हो रहा है क्योंकि चार्जिंग पे भी उसे पूरा टाइम मिल रहा है फाइव टाइम कांस्टेंट डिस्चार्जिंग पे भी उसे पूरा टाइम मिल रहा है फाइव टाइम तो देखें फुल डिस्चार्ज हो जाता है यहाँ तक और देन वो नेगेटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है तो प्रॉबेबली मैंने क्लियर कर दी बातें कुछ नहीं समझ आई तो यू कैन आस्क इन क्लास बाकी आपको पता है मैं फ्रीक्वेंसी हंड्रेड और थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर भी चेक करना था लेकिन फाइव हंड्रेड पर क्या होगा और नीचे जाती जाएगी अभी क्योंकि और कम टाइम मिलेगा तो चार्जिंग और कम होगी इसकी तो मैं यहाँ से फाइव हंड्रेड कर रहा हूँ आप इस तरह कैसे करना है आपने फाइव हंड्रेड फाइव डबल ज़ीरो और इसको दबा देंगे तो फाइव हंड्रेड हो जाएगा तो यह आ गया अगर ऑटो सेट कर दबाएंगे तो ख़ुद से इसको सेट कर लेगा वरना आपने ख़ुद से एडजस्ट करना है तो देखें इनको करीब ले करें ताकि आपको पता चल सके ऊपर वाली वेव को भी मैं जीरो के ऊपर ले आया हूँ औरिजिन के ऊपर नीचे वाली वेव को भी मैं जो कि हमारा रिस्पॉन्स है बेसिकली उसके भी मैं ओरिजिन के ऊपर ले आऊँ अब इन दोनों की बेसिकली वोल्टेज डिवीजन का फ़र्क है तो दोनों को सेम कर दें वा चैनल वन का फाइव है इसको भी टू पे कर दें लेट से और दूसरे वाले के चैनल टू को भी टू पे कर दें देखें वन और टू कितना माइनर सा टू पे करेंगे तो कितना माइनर सा रेज हुआ है और कितना माइनस क्योंकि फ्रीक्वेंसी अब बहुत ज़्यादा हो रही है तो टाइम पीरियड डेफिनेटली बहुत कम है तो चार्जिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा तो बिल्कुल हल्का सा भी चार्ज होना शुरू ही होती है तो डिस्चार्ज हो जाती है और क्लियरिंग के लिए क्लियरेंस के, के लिए आपको मैं देखिए वन पे फिर कुछ विजिबल है तो दोनों को वन पे कर देते हैं ताकि ये देखें बिल्कुल माइनर सा भी चार्ज हुआ फिर डिस्चार्ज फिर तो वन के पे डेफिनेटली और ज़्यादा कम चार्ज होगा बिल्कुल माइनर सा फ़र्क आएगा अब कोई मसला है तो यू कैन आज के अंदर कमेंट सेक्शन या फिर कमेंट में नहीं भी तो आप क्लास में बता सकते हैं टीथ बता सकते हैं कहीं भी इट विल बी भी मिलते हैं आपसे अगली लैब में तब तक के लिए अल्लाह के हवाले